ने कहा, जी हाँ, ऐसा दिन ही नहीं गुजरता जहाँ से किसी भी इलाके से ये खबर मौसूल नहीं होती कि आज कोई न कोई सड़क हादसा पेश आया और उस सड़क हादसे में किसी न किसी की मौत वाक़ा हो चुकी है। जी हाँ, आज सुबह सुबह एक सड़क हादसे की खबर मौसूल हो चुकी है जहाँ एक दिलदोज सड़क हादसा पेश आया है। वस्ती कश्मीर के गांदरबल के मशहूर सियाती मुकाम सोनमर्ग से, जी हाँ, सोनमर्ग से एक दिलदोज सड़क हादसा पेश आया है जिसमें बताया यह जा रहा है कि अब तक जो मरने वालों की तादाद है वो 3 तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, ये आम अपडेट निकल के सामने आया है सोनमर्ग से। ये क्या डिटेल है, ये कौन लोग जो है इस हादसे का जो शिकार हुए हैं, गाड़ी कौन सी थी, गाड़ी का नंबर क्या था और इसमें कितने सयाह थे, ये सब तफसील कश्मीर पेट्रेट आप तक ज़रूर पहुंचाएगा। जी हाँ, आज सुबह सुबह एक दिलदोज सड़क हादसा पेश आया शुमाली वस्ती कश्मीर के ज़िला गांदरबल के मशहूर सयाती मुकाम सोनमर्ग से ये वाक़ा पेश आया है। जी हाँ, ये वाक़ा जो है ये सोनमर्ग के 0 पॉइंट जाते हुए एक सड़क हादसे का शिकार हुई। जब ये पानीमा था मुकाम के करीब पहुंची तो वहां से गहरी खाई में ये सोमू जा गिरी और इस सोमू में बताया जाता है कि करीबन करीबन 5 अफराद जो थे वो सवार थे, उसमें से अब तक 3 की मौत जो है वाक़ा हो चुकी है, जिसमें से जो तीन सयाहों की मौत हो चुकी है उनमें से 2 खवातीन भी शामिल हैं। और हाँ, और मौजज़ाती तौर पर यह बताया जा रहा है कि मौजज़ाती तौर पर एक ड्राइवर बच चुका है और एक बच्चा जो है वो अभी भी शदीद ज़ख्मी है, उसे मुकामी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है जहां उसका इलाज मुआलजा चल रहा है। जी हाँ, पानीमा था के मुकाम के करीब ये टाटा सोमू जो है जब वहाँ पर उसका गुजर हुआ तो वहाँ पर इनका हादसा हुआ है और जो मोड़ है जो बाजरी नाला कैप्टन मोड़ के करीब वाक़ा है वहाँ पर ये मौत वाक़ा हो चुकी है इनकी और ये गहरी खाई में गिर गए हैं। सोनमर्ग से ये दिलदोज सड़क हादसा पेश आया है और अब तक जो मरने वालों की तादाद है, ज़रा से ये मौसूल हुआ है कि अब तक जो मरने वालों की तादाद है वो 3 पहुँच चुकी है, जिसमें से 2 खवातीन भी शामिल है और एक बच्चा जो है वो शदीद जख्मी है। ये टूरिस्ट सोमू जो है, इस टाटा सोमू का नंबर JK13B9912, एक मरतबा फिर मैं टाटा सोमू नंबर आप तक शेयर करूंगा कि JK13B9912। जी हाँ, ये अहम तफसीलात हम आपको सोनमर्ग से दे रहे हैं कि आज सोनमर्ग में टाटा सोमू पानीमा था के मोड़ के करीब जो बाजरी नाला कैप्टन मोड है वहाँ पर एक टाटा सोमू जेरी नंबर JK13B9912 एक हादसे का शिकार हुई, जिसमें बताया जाता है कि टूरिस्ट उसमें सवार थे, जिसमें से अब तक जो है 3 की मौत वाक़ा हो चुकी है और ड्राइवर जो है उसमें उसके मुतालिक ये बताया जा रहा है कि हादसाती मौजज़ाती तौर वो बच चुका है और बच्चा जो है वो शदीद ज़ख्मी है, उसे इलाज मुआलजा के लिए मुकामी हॉस्पिटल पहुंचाया गया जहां से ये इत्तला मौसूल हुई है कि बच्चे की जो हालत है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। आए दिन कश्मीर में हर जगह से यही इत्तला मौसूल होती है कि कोई ऐसा दिन ही नहीं गुजरता जब ये इत्तला नहीं मिलती है कि आज कश्मीर के किसी भी इलाके में, चाहे जम्मू हो या कश्मीर हो, कोई भी ऐसा इलाका हो जहां से यह इत्तलात मौसूल नहीं होती कि हर एक इलाके में यह खबर मिलती है कि आज यहां पर कोई न कोई सड़क हादसा जरूर हुआ है। जी हां, हालांकि रोड वाइडनिंग हर जगह चल रही है, डेवलपमेंटल वर्क चल रहा है, हर जगह काम जारी पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी हादसात, सड़क हादसात रोज देखने को मिल रहे हैं। इसमें किसकी लापरवाही है और क्या ड्राइवर गाड़ी चलाते वक्त अपना संतुलन खो बैठता है या वो उस हिसाब से गाड़ी को सही तरीके से ड्राइव नहीं कर पा रहा है और ऐसा क्या मामला होता है कि आए दिन रोज कश्मीर में सबसे ज्यादा हादसा जो है वो कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, अभी भी एक इत्तलात मौसूल हुई है, जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो लोग हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं उनके लिए मैं ये तफसील जरूर शेयर करूंगा कि सोनमर्ग के इलाके पानीमा था के करीब एक टाटा सोमू जो गहरी खाई में गिर गई कैप्टन मोड़ के करीब, वहां से यह इत्तलात मौसूल हुई है कि अब तक जो मरने वालों की तादाद है वो 3 तक पहुंच
پہنچ گئے جس میں دو خواتین شامل ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ یہ ٹورسٹ تھے اس ٹاٹا سومو میں اور ان کے بھی شناخت ہونا باقی ہے, شناخت کی جا رہی ہے. اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ نکل کے سامنے آئے گا کشمیر پیٹریٹ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرے گا. مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور دیکھتے رہیے کشمیر.